नमस्कार मित्रों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरके 10 इंडिया में। और मित्रों, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे। मित्रों, मैं आज की इस वीडियो में आपको सही के कांटे के तीन ऐसे ज़बरदस्त प्रयोग बताने जा रहा हूं, जो कि आपकी तीन समस्याओं को बहुत ही आसानी से ख़त्म करते हैं। मित्रों, आपको पता भी होगा कि इस तंत्र मंत्र में सही का कांटा एक रामबाण की तरह काम करता है। विद्वेषण, उच्चाटन और वशीकरण, इन तीन क्रियाओं में ये सही का कांटा बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो दोस्तों, मैं आपको वो तीनों प्रयोग बताऊंगा कि सही के कांटे से आप कौन कौन सी तीनों समस्याओं को ख़त्म कर सकते हैं। इसके लिए आप इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे कि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, सही का कांटा तो आप सब लोग जानते ही होंगे, और जो लोग नहीं जानते वो सही का कांटा देख लें और इसे पहचान लें। मित्रों, ये सही का कांटा तंत्र मंत्र में बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। सही एक जंगली जानवर होता है जो जंगल में रहता है, और उसके शरीर पर ये कांटे लगे होते हैं। जब वो सही किसी अपने से बड़े जानवर के साथ भिड़ता है तो मित्रों, ये कांटे उसके शरीर से टूट करके गिर जाते हैं। या वो सही अपने बच्चे को जन्म देती है, उस समय कुछ कांटे टूट करके गिर जाते हैं। मित्रों, ये सही के कांटे मेरे पास भी नहीं थे और मुझे इन कांटों की बहुत ही सख्त ज़रूरत थी। तो हमारे एक नए चैनल से जुड़ने वाले भक्त ने महाराष्ट्र से हमें ये ऑनलाइन करके भेजा है। दोस्तों, इनका नाम है दशरथ भानुदास। हमारे चैनल पर ये नए जुड़े हुए हैं। इन्होंने हमसे कहा था कि गुरुजी, अगर आपको सही का कांटा चाहिए तो मैं पहाड़ी क्षेत्र में रहता हूँ, मैं आपको भिजवा सकता हूँ। तो हमने कहा ठीक है भैया, भेज दीजिए, हमको भी थोड़ा ज़रूरत है। तो मित्रों, इन्होंने कांटे के साथ साथ हमें एक पत्र भी लिख करके भेजा है। मित्रों, आप जो देख रहे हैं, मित्रों एक पत्र भी लिख के भेजा है, और इस पत्र में उन्होंने अपनी समस्याओं के बारे में हमें अवगत कराया है कि गुरुजी, हमें कुछ परेशानियां हैं, अगर आपके पास हो सके तो इनका समाधान कर सके। तो मित्रों, मैं इस पत्र को पढ़ करके बहुत खुश हुआ, और इसमें जो उनकी समस्याएं हैं, जल्द से जल्द मैं उन समस्याओं पर काम करना स्टार्ट करूंगा और उनकी परेशानियों को ख़त्म करने का काम करूंगा। तो मित्रों, आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट न करते हुए मैं आपको इन सही के कांटों का जो तीन ज़बरदस्त प्रयोग हैं मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों, सही के कांटे का हमारा जो पहला प्रयोग है वो है वशीकरण वालों के लिए। और वशीकरण चाहे कैसा भी हो, चाहे पति पत्नी का वशीकरण हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका का हो, चाहे पिता पुत्र का हो, भाई बहन का हो, अगर किसी कारण से उनके बीच में अनबन हो गई है, एक दूसरे से बात करने को राजी नहीं है, तो मित्रों ऐसे में ये सही का कांटे का वशीकरण तत्काल ही प्रभाव दिखाता है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको मार्केट में जाकर के पंसारी की दुकान से एक भोजपत्र लेके आना है, और जाफरान यानी केसर, एक डिब्बी केसर लेके आनी है, और थोड़ा सा गोरोचन ये आपको ले आना है, एक गुलाब जल की शीशी। इसे ला करके मित्रों, आपको इस वीडियो में एक यंत्र देखने को मिल जाएगा, उस यंत्र को आप इस सही के कांटे की कलम से गुलाब जल में उस गोरोचन और केसर को पीस करके मिला लें, जिससे वो गीला हो जाएगा, और उसे इस कलम से आप भोजपत्र पर इस यंत्र को बना लें। मित्रों, उस यंत्र को बना करके उसे चारों तरफ से फोल्ड कर दें और किसी काले कपड़े में उसे तैयार कर दें, उसमें धागा भी डाल दें। मित्रों, बस आपका वशीकरण कवच तैयार हो गया। लेकिन आपको इसका करना क्या है, इसे भी ध्यान से समझ लो। इस ताबीज को ले जाकर बाहर कहीं एकांत जगह, जहाँ सुनसान जगह हो, जंगल हो,
वहाँ पर कोई हरा भरा पेड़ पौधा खड़ा हो। उस ताबीज को आप उस हरे भरे पौधे पर इस प्रकार से लटका दें, बांध दें, जो कि वो किसी को दिखाई भी ना दे और वो इस तरीके से लटका रहे, जबकि हवा चले तो वो ताबीज हिलता रहे। मित्रों, यह कार्य आप शुक्रवार के दिन करें। तो मित्रों, जितना वो ताबीज हवा से हिलेगा उतना ही आप जिसको अपने बस में करना चाहते हैं, जिसको आप अपने प्रभाव में लाना चाहते हैं, वो व्यक्ति आपके प्रभाव में आता जाएगा, आपकी हर बात को मानता जाएगा। यंत्र के पीछे उस व्यक्ति का नाम जरूर लिखें उसी जापान से, तब उसे फोल्ड करके ताबीज बनाएं। तो मित्रों, ये बहुत ही फास्ट प्रयोग है, इसका मात्र 1.5 घंटे में असर शुरू हो जाता है। इसका रिजल्ट आप 1.5 घंटे बाद देख सकते हैं। तो इस प्रयोग को करें और आप इसका पूरा पूरा लाभ लें। और दोस्तों, इस सही के कांटे का दूसरा जो हमारा प्रयोग है वो है उच्चाटन का। जो शत्रु आपको बार बार परेशान करता है, आपको चैन से नहीं रहने देता है, आपको बर्बाद करने पर तुला हुआ है, ऐसे व्यक्ति का उच्चाटन करके आप उस व्यक्ति से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। आप चाहे उसको जो सबक सिखा सकते हैं, जो सजा दे सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है मित्रों, आपको एक नींबू लेना है, एक सही का कांटा लेना है और एक उस शत्रु का फोटो लेना है। नींबू को काटकर फोटो पर उसके पीछे उस व्यक्ति का नाम लिखें जो आपको परेशान करता है, उसके नीचे उसकी माँ का नाम लिख दें और उस नींबू कटे हुए बीच में उस फोटो को फंसा दें और ये सही का कांटा फोटो समेत नींबू से पार कर दें। मित्रों, इतना करने के बाद आप इस नींबू को ले जा करके किसी भी शनिवार के दिन, चाहे कहीं सुनसान जगह हो वहाँ गाड़ दें या शमशान के अंदर 1 फुट गड्ढा करके जमीन के अंदर दफन कर दें और वहाँ पर बैठ करके आप ओम श्री भैरवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। तो मित्रों, आपका शत्रु उसी दिन से समझ लो बर्बाद हो जाएगा, उसका धंधा व्यापार सभी ठप हो जाएगा और आपको वो कभी परेशान नहीं करेगा। और मित्रों, इसका हमारा जो तीसरा प्रयोग है वो है दो व्यक्तियों को अलग अलग करने के लिए, दो व्यक्तियों में झगड़ा लगाने के लिए, क्योंकि जब तक दो व्यक्तियों में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा तब तक वो दोनों अलग नहीं होंगे। इसके लिए आपको क्या करना है मित्रों, इसके लिए आप इस वीडियो में एक यंत्र देख रहे होंगे कलह कराने का। इस यंत्र को आप एक प्लेन कागज पर काजल से या काली स्याही से और सही के कांटे की कलम से उसे बना लें। यंत्र के पीछे उन दो व्यक्तियों का नाम लिखें जो आपस में ज़्यादा ही प्यार मोहब्बत करते हैं, जिनको आप अलग करना चाहते हैं। यंत्र को तैयार करके चारों तरफ से फोल्ड कर दें और फोल्ड करके आप जाकर के सुनसान जगह गाड़ दें तो मित्रों, वो दो व्यक्ति अलग हो जाए। बिना सिद्ध किए, बिना तंत्र मंत्र के आप दो सही के कांटे ले जा करके और जो मैंने अभी यंत्र बताया है उस यंत्र को बना करके और इस पर लपेट करके काले धागे से बांध लें दोनों पर और एक एक अपने शत्रुओं के दरवाजे पर गाड़ दें, जिनमें आप लड़ाई झगड़ा कराना चाहते हैं, वो भी शत्रु ही हैं, उनके दरवाजे पर गाड़ दें। तो मित्रों, 24 घंटे के अंदर उनके घर में लड़ाई झगड़ा भयंकर स्टार्ट हो जाएगा और वो व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएगा। तो मित्रों, ये सही के कांटे के 3 जबरदस्त प्रयोग थे जो मैंने आपको बता दिए। आप इनको करें और इनका पूरा पूरा लाभ लें। तो आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।